गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम योर SST टीचर एंड आई एम फ्रॉम SVPS सीनियर सेकेंडरी स्कूल। फर्स्ट आई वेलकम ऑल ऑफ इन क्लास सेकेंड। स्टूडेंट, वी कंटिन्यू अवर थर्ड चैप्टर। प्रीवियस वीडियोज वी स्टडी द फूड वी ईट। पिछली वीडियोज में हमने हमारा थर्ड चैप्टर क्या था, वो हमारा था द फूड वी ईट, भोजन जो हम खाते हैं, इसके बारे में कुछ हमने पढ़ा था। आगे आज हम पढ़ेंगे। स्टूडेंट, वी स्टडी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड एंड टुडे वी स्टडी सोर्सेज ऑफ फूड। आज हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ फूड। सोर्सेज का मीन होता है स्रोत, कहाँ से हमें भोजन मिलता है या कहाँ कहाँ से हम भोजन प्राप्त करते हैं, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। देखिए, वी गेट अवर फूड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। हमें हमारा भोजन अलग अलग सोर्सेज से मिलता है। सम फूड्स वी गेट फ्रॉम प्लांट्स वाइल सम अदर्स वी गेट फ्रॉम एनिमल्स। कुछ फूड ऐसे होते हैं जो हमें प्लांट से मिलते हैं, पेड़ पौधों से मिलते हैं, और कुछ भोजन ऐसे होते हैं जो हमें जानवरों से प्राप्त होते हैं। देखिए, फूड फ्रॉम प्लांट्स, भोजन जो हमें पेड़ पौधों से मिलता है। अब देखिए क्या क्या हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होता है वो देखिए। प्लांट्स आर अवर मेन सोर्सेज ऑफ फूड। प्लांट्स हमारे भोजन का मुख्य स्रोत है, यानी अधिकतर भोजन हमें प्लांट से मिलता है। वी गेट वेजिटेबल्स सच एज पटेटोस कैरेट्स बॉटल गॉर्ड एक्सेट्रा फ्रॉम प्लांट्स। और हमें खूब सारी वेजिटेबल्स मिलती हैं, जैसे पटेटो, आलू, कैरेट्स, गाजर, बॉटल गॉर्ड, लौकी। ये सब हमें किन से मिलती है, ये सब हमें प्लांट से प्राप्त होते हैं। आगे देखिए, फ्रूट्स सच एज एप्पल्स मैंगोज बनानास एक्सेट्रा आर आल्सो ऑब्टेंड फ्रॉम प्लांट्स। और फल जैसे कि एप्पल, सेब, मैंगोज, आम, बनानास, केले, ये सब हमें किन से मिलते हैं, ये सब भी हम पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं। आगे देखिए, फूड फ्रॉम एनिमल्स, भोजन जो हमें जानवरों से प्राप्त होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। फ्रॉम एनिमल्स वी गेट मिल्क एग्स एंड मीट। जानवरों से हमें दूध मिलता है, अंडे मिलते हैं और मीट मिलता है। मिल्क इज यूज टू मेक कर्ड चीज बटर एंड आइसक्रीम। मिल्क से हमें क्या प्राप्त होता है, यानी मिल्क का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, दही बनाते हैं, चीज़ बनाते हैं, घी बनाते हैं और आइसक्रीम बनाते हैं। ये सब चीज़ें हम दूध का इस्तेमाल करके बनाते हैं। आगे देखिए, वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन। वेजिटेरियन क्या होते हैं, नॉन वेजिटेरियन क्या होते हैं वो देखिए। पीपल हु डू नॉट ईट फिश एंड मीट आर कॉल्ड वेजिटेरियन। वे लोग जो मीट और फिश नहीं खाते हैं उन्हें वेजिटेरियन यानी शाकाहारी कहा जाता है। पीपल हु ईट फिश एंड मीट आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियन। वे लोग जो मीट और फिश खाते हैं उन्हें नॉन वेजिटेरियन कहा जाता है, यानी मांसाहारी जीव कहा जाता है। आगे देखिए, मील्स ऑफ द डे, दिन में भोजन, यानी कि कितने प्रकार का भोजन हम एक दिन में करते हैं वो सब आज हम देखेंगे। वी ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे। हम अलग अलग वी ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे। हम दिन के अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार का भोजन करते हैं। देखिए, ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट क्या होता है वो देखिए। इट इज़ द फर्स्ट मील ऑफ द डे। ये दिन का प्रमुख या मुख्य भोजन होता है, प्रथम भोजन होता है, यानी दिन में जो सबसे पहले हम भोजन करते हैं उसे ब्रेकफास्ट कहा जाता है। वी हैव ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। और हम ब्रेकफास्ट सुबह लेते हैं, यानी सुबह के समय हम ब्रेकफास्ट करते हैं। वी हैव मिल्क और टी विथ ब्रेड एंड बटर इन ब्रेकफास्ट। और हम ब्रेकफास्ट में क्या लेते हैं, चाय और दूध किसके साथ में, ब्रेड और बटर के साथ में हम चाय दूध लेते हैं, और इसी के रूप में हम हमारा सुबह का ब्रेकफास्ट करते हैं। आगे है लंच। अब देखिए लंच क्या होता है। वी हैव लंच इन द आफ्टरनून। दोपहर के समय हम क्या लेते हैं, हम हमारा लंच लेते हैं। वी ईट राइस चपातीज वेजिटेबल्स पल्सेस कर्ड एक्सेट्रा इन लंच। और हम लंच में क्या लेते हैं, हम लंच में चावल, रोटियां, सब्जियां, दालें, दही, ये सब हम हमारे लंच में लेते हैं। आगे देखिए डिनर। वी हैव डिनर एट नाइट। हम रात के समय डिनर लेते हैं। इट इज़ द लास्ट मील ऑफ द डे। ये दिन का अंतिम भोजन होता है। आगे देखिए बच्चों, गुड ईटिंग हैबिट्स, भोजन की अच्छी आदतें। देखिए क्या होती हैं,
देखिए फर्स्ट गुड ईटिंग हैबिट देखिए, वी शुड ईट फूड एट ए क्लीन पैलेस, हमें हमेशा साफ सुथरी जगह बैठ के ही भोजन करना चाहिए। नेवर वेस्ट फूड, भोजन को कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। वॉश योर हैंड्स विथ सोप बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग, खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद में अपने हाथों को अच्छे से धोना चाहिए, साबुन से अपने हाथों को अच्छे से धोना चाहिए। टेक ओनली एज मच फूड एज यू कैन ईट, हमें हमारी प्लेट में उतना ही भोजन लेना चाहिए जितना खाना हम खा सकते हैं, एक्स्ट्रा फूड हमें नहीं लेना चाहिए। डू नॉट टेक फूड फ्रॉम अदर्स प्लेट, दूसरों की प्लेट से हमें भोजन नहीं लेना चाहिए, यानी दूसरों की प्लेट से हमें उठा के भोजन नहीं लेना चाहिए। द फूड आइटम शुड बी कीप्ड कवर्ड सो दैट फ्लाइज डू नॉट सिट ऑन देम, और खाने पीने के जितने भी सामान होते हैं, जितने भी आइटम्स होते हैं, उनको हमेशा ढक के कवर करके रखना चाहिए ताकि उनके ऊपर फ्लाइज यानी मक्खियाँ ना बैठे और उनको दूषित ना करें। आगे देखिए, लुकिंग बैक, हमने हमारा चैप्टर पढ़ा और हम इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए हमने क्या क्या पढ़ा था, देखिए एक बार। वी नीड फूड वैन वी फील हंग्री, हमें भोजन की ज़रूरत होती है कब, जब हमें भूख लगती है। वी कांट लीव विदाउट फूड, हम बिना भोजन के जिंदा नहीं रह सकते। राइस शुगर एंड बटर गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले, चावल चीनी और घी हमें एनर्जी देते हैं, ऊर्जा देते हैं ताकि हम खेल सकें और हमारा प्रतिदिन का कार्य कर सकें। प्रोटीन्स बिल्ड अवर बॉडी एंड हेल्प अस टू ग्रो, प्रोटीन्स हमारी बॉडी का निर्माण करते हैं और हमें हमारा विकास करने में मदद करते हैं। विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज, विटामिन्स और मिनरल्स हमें बीमारियों से लड़ने में सुरक्षा प्रदान करते हैं। वी गेट अवर फूड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, हमें हमारा भोजन अलग अलग सोर्सेज से मिलता है। वी ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे, हम अलग अलग प्रकार का भोजन दिन के अलग अलग समय में करते हैं। वी शुड नॉट टेक फूड फ्रॉम अदर्स प्लेट, हमें दूसरों की प्लेट से कभी भोजन नहीं लेना चाहिए। तो बच्चों ये था आपका, हमने समरी देखी इस यानी पूरे चैप्टर के बारे में शॉर्ट में पढ़ा। तो आज आपको अपनी नोटबुक में एज ए होमवर्क गुड ईटिंग हैबिट्स राइट डाउन करनी है और साथ ही इन गुड ईटिंग हैबिट्स को लर्न भी करना है। मुझे उम्मीद आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। कल हम करेंगे इस चैप्टर के एक्सरसाइज टाइप क्वेश्चन एंड आंसर। हैव अ नाइस डे।